अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान के बेहतर हालत में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हमने एक दुआ मांगनी है और वो दुआ हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसको मांगना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसको मांगे बगैर और जिसके कबूल हुए बगैर हमारी दुनिया और आखरत दोनों नाकाम है, और वो हम सब के लिए कामयाबी की वजह है और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। हाँ जी, तो वो दुआ ये है। दुआ स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, हम दुआ की तरफ आते हैं और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका वहुब्बा मैं युहिब्बुका वहुब्बा अमलिन युकर्रिबु इला हुब्बिका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ तेरी मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत और ऐसे आमाल की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचाने वाले हों। हाँ जी, कितनी इंतहाई खूबसूरत दुआ है कि या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ, फिर उसके बाद इस दुनिया में हर ऐसे इंसान की मोहब्बत मांगता हूँ जो या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, और फिर ऐसे आमाल की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचाने वाले हों। यानी कि हमें इस दुनिया में हर ऐसे काम से मोहब्बत हो जिसको करने से हम अल्लाह ताला के मोहब्बत के नज़दीक पहुंच जाएं, ठीक है, जिससे हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए ऐसे काम करने से, और फिर ऐसे इंसान की मोहब्बत जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हो, और फिर डायरेक्ट क्या दुआ है, या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ। इंतहाई ज़रूरी दुआ है और इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। पांच वक्त की नमाज के साथ ये दुआ लाजमी किया करें, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल फरमाए और हमें अपनी मोहब्बत अता करे और ऐसे इंसान की मोहब्बत अता करे जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और हमारे दिलों में ऐसे काम के लिए मोहब्बत पैदा कर दे जिसके करने से हमारा अल्लाह ताला खुश हो और हमारे हिस्से में नेकियां लिखी जाएं और हमें नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।